बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं कभी होस्ट किया नहीं। अब हमको ट्रेनिंग करने की बात करेंगे तो मैं पूरा दिन ट्रेनिंग दूंगा, दो दो दिन ट्रेनिंग दूंगा, है ना। मगर मैंने कभी होस्ट किया नहीं, मगर अंदर से ऐसा आया कि सर के लिए आज मेरे को होस्टिंग करना चाहिए, है ना। मेरे खास दोस्त, हम लोग दुख सुख में एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, तो एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और इतना मतलब खुशी हो रही है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से उसको बयां करूं। तो आप सभी लोगों को ग्रेट सपोर्ट से म्यूजिक के साथ में स्टैंडिंग ओवेशन में मैं चाहता हूं जोरदार अप्लॉज के साथ में, जोरदार तालियों के साथ में। मैं उनको भी चाहूंगा कि सर के सम्मान के लिए यहाँ पे आएंगे स्टेज पे। जोरदार मैंने सर से सीखी थी, और सर स्पेस में मेरे गुरु हैं, और आज गुरु ने हमको यहाँ पे बुलाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर आपका मुझे गाने के लिए। और आज इन्होंने प्लान दिखाया डॉक्टर रमेश सर की ज्यादा तालियां होनी चाहिए। आज शायद उन्होंने जो बातें की रही सबके दिल में उतरती रहेंगी, क्योंकि एक डॉक्टर इंसान ने आपका प्लान समझाया, जल्दी बार आपको दिखाया, और वो बेसिकली ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल इंसान अपने पेशे से है। उनके घर में दो दो तीन तीन डॉक्टर्स है, मेडिकल्स है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पे इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ और प्रूफ होना नहीं मेरे हिसाब से करने के लिए। और आज बहुत खुशी का दिन है आप सबके लिए भी और हमारे लिए भी। एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि जो हमने फैसला लिया था बिजनेस को स्टार्ट करने का कुछ साल पहले, बहुत यहाँ पे नए लोग आए रहेंगे, और शायद हो सकता है कि उनको स्टार्टिंग में आज उन्हें प्लान देखा रहेगा दो लाख इनको समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सर मुझे समझ में आया नहीं था, लेकिन विश्वास किया था हमने अपने प्लान के ऊपर, उस दोस्त के ऊपर और इस कंपनी के ऊपर,
कि अगर इतने लोगों के साथ में अगर अचीवमेंट हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका भी अचीवमेंट होगा। इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब किया करता था, नौकरी किया करता था, बॉम्बे में 8 साल नौकरी किया, अमेजोन में काम करता था एज ए फैकल्टी इंचार्ज। 8 साल का जॉब करने के बाद में ये समझ में आया सिर्फ जॉब करके कुछ होने वाला नहीं है। मेरी हालत उस गन्ने की तरह थी जो मशीन में डालते हैं, एक बार जूस निकलता है फिर उसको फेंकते हैं क्या? नहीं, उसको फिर फोल्ड करते हैं फिर डालते हैं मशीन के अंदर, फिर जूस थोड़ा कम निकलता है तो उसको फेंकते गन्ने हो गया, फिर उसको फोल्ड करते हैं, नींबू लगाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं मशीन में डालते हैं, फिर और उसको जूस निकलता है, लास्ट में फेंकते हैं क्या, फिर एक फोल्ड मारते हैं आखिरी जो चौथा फोल्ड मारते हैं और लास्ट में आकर उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा अपना हाल था जॉब के अंदर, सुबह जाते थे रात को आते थे और 8 साल नौकरी किया सर। 8 साल के अंदर जॉब में इनकम तो आती थी लेकिन सेक्रीफाइस करना पड़ता था, हर मंथ के एंडिंग के अंदर हर महीने में एडजस्टमेंट करना पड़ता था, हर महीने में पैसे की कमी होती थी क्योंकि जॉब वालों का हाल ऐसा होता है कि सैलरी आती है और तुरंत मतलब आना फिक्स है तो जाना भी फिक्स है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सिर्फ जॉब करके बड़ा आदमी बन चुका है, ऐसा कोई नहीं है। तो जैसा आपका प्लान दिखाया गया आज कुछ साल पहले सेम प्लान उसको भी दिखाया गया था, मैंने इस वीडियो को देखने के बाद में हाँ इसलिए कहा था कि मेरे पास में हाँ करने के बहुत सारे कारण थे मुझे बिजनेस को करने के लिए। खुद का घर नहीं था, बहुत सारा मुझे पैसा चाहिए था, मेरे बच्चा अच्छा एजुकेशन चाहिए था, मैंने जिस बीवी से शादी किया था शादी के पहले हम लोग क्या बोलते कि मैं तेरे को राज रखूंगा रानी, लेकिन शादी के बाद क्या होता है वो घर में क्या बनती है वो आप लोग समझो, मैं नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी लाइफ के ना जो मुझे पूरी करनी थी, जॉब से हो पा रहा नहीं था, यहाँ पे लाखों रुपए समझो उसको स्टार्टिंग में नहीं आया था, लेकिन एक समझ में आया था कि अपना काम करने के बाद में अगर पार्ट टाइम में मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सीखता हूँ और एफर्ट लगाता हूँ और अगर महीने का 5,000 भी आता है पार्ट टाइम में तो बहुत बड़ी इनकम रहेगी मेरे लिए। वो छोटी सोच से बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया और काम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया, तो लोगों ने अपना रूप दिखाना, ऐसा होता ही नहीं होता है आप लोगों को प्लान समझाते हो, आप लोगों से बात करते हो, लोग आपको उल्टा ज्ञान देते हैं कि काय होनार सालत पिलर नहीं। तो ऐसे मेरे खास 21 लोगों ने, हम लोग रहते थे महाकाली अंधेरी में, सर हम लोग बात करते थे, मेरे खास 21 लोगों ने मुझे मना किया था प्लान दिखाने के, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मेरा हाल क्या होना चाहिए मतलब मेरे जो 21 खास लोग जो मेरे टपोरी लंगोटी आप थे बॉम्बे की बात करें तो उन्होंने मुझे मना किया, मेरा हाल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए बिजनेस को लेके। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के आपने बैठा, मैंने उनसे सीखा समझा तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या आपने गलतियाँ किया, क्या क्या वो करना चाहिए, फिर मैंने सुधार किया, काम करना स्टार्ट किया, काम करते करते एक आदमी आए, दो आदमी आए, टीम बनना स्टार्ट हुआ, करते करते आज बहुत फख्र की बात है कि आज आप सबके आशीर्वाद से एक नहीं दो आईडी आती सी एस और इसके लिए जो मेरे सारे अप्लाइंस मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी टीम है जिन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, मेरे सारे आरटीसी एसटीसी सारे लोग, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा लेकिन मैं सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर टीम नहीं है तो फिर हमारा अभी वजूद कुछ भी नहीं है सर। आज इस बिजनेस को पिछले 7 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आज मैं इस काम को सीख रहा हूँ, बस फर्क इतना हो गया है सर इस बिजनेस में आने के बाद में कि जब मैं जॉब किया करता था तो 30 दिन काम करने के बाद में एक बार पगार आता था, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। और जॉब में इंक्रीमेंट कभी होता है? साल में एक बार होता है, लेकिन हर साल इंक्रीमेंट होता है क्या? नहीं होता है सर। इस बिजनेस में आपने देखा रहेगा यहाँ पे हफ्ते का इनकम आता है, महीने का इनकम भी आता है। आज इस बिजनेस में 2 RD रन कर रहा हूँ, 2 RD NTC है, बस एक फर्क हो चुका है कि आज इस बिजनेस के माध्यम से जॉब में इनकम आती थी महीने में एक बार, आज इनकम आती है महीने में 10 बार। अच्छा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर आपको इनकम आएगी महीने में 10 बार तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, सपने पूरे होंगे, जिंदगी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी साहब? तो जब पैसा आना स्टार्ट हुआ, काम करना स्टार्ट हुआ, राइटर के लिए तो बहुत सारे लाइफ के अंदर बदलाव हुए। जब जॉब क्या करता था तो किराए घर पे रहा करता था, भाड़े घर पे रहा करता था और ये मुझे बहुत तकलीफ था। जो लोग किराए घर पे रहते हैं बॉम्बे के अंदर, मुझे मालूम कि हर 11 महीने के बाद में एग्रीमेंट चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, पड़ोसी बदली होता है, एड्रेस की अपना पता बदली होता है। तो मेरे को मेरे रिश्तेदार बोला करते थे एक समय में कि तुम्हारा जिंदगी कुछ काम का नहीं है, उनका ये बोला सही था ना,
हर 11 महीने पे एरिया चेंज, रूम चेंज, अपना सब कुछ चेंज करने के लिए। तो जब मैंने दिल को देखा था तो मेरा एक सपना था, जैसे कुछ भी हो जाए बॉम्बे में खुद के नाम का घर होना चाहिए। किसके नाम का? खुद के नाम का। पापा के नाम का ऑलरेडी है, कैटे के नहीं है, दादा के नाम का ऑलरेडी है, लेकिन उस घर पे नेम प्लेट किसका होना चाहिए? खुद का होना चाहिए, ताकि जब मेरे बच्चे मुझसे पूछें कि तुमने लाइफ में क्या उखाड़ा, तुमने लाइफ में क्या अचीवमेंट किया, मैं भी उनको फख्र से बोलना चाहिए। और इस बेस का पावर ये है सर, इसी डोंबली के अंदर रिवॉल्व गार्डन करके सोसाइटी है जो बहुत अच्छी बन रही है, और वहीं पे हमने लगभग 2.5 साल पहले खुद का घर बुक किया, 45 लाख का घर बुक किया है सर। ये पावर इस बिजनेस का है सर। तो बस और ट्रेन में ट्रेवल किया करते थे हम लोग, और आपको पता है कि जब बस और ट्रेन के अंदर हम ट्रेवल करते हैं तो हमारा हाल कैसा होता है सर, बारिश में क्या होता है करने के लिए। इस बिजनेस में आने के बाद में खुद का आज कार मेंटेन करते हैं, वो बहुत बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। आज टीम में 6 लोग ऑलरेडी कार लिए हुए हैं और 2 लोगों ने कार बुक किया हुआ है जो दशहरा पे आने वाली, मतलब 8 लोग टीम में कार बुक हैं। तो ऐसे सर बहुत सारे बदलाव लाइफ में यहाँ पे हुए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं इस बेस में बोलता हूँ वो है नॉमिनी फैसिलिटीज। या आप इस बेस को क्यों करना है, जो नए लोग आए हैं आपके बेस को क्यों करना चाहिए सर, इसलिए मैंने उनको स्टार्ट किया। देखो पैसा एक तरफ है, बाकी सारे अचीवमेंट एक तरफ है, लेकिन जो मेन काम है इस बिजनेस को करने का, इसलिए मैंने भी उसको स्टार्ट किया था, वो था नॉमिनी फैसिलिटी सर। आज से कुछ साल पहले कोरोना आया था, हेलो आया था, उसमें अच्छे अच्छे लोग क्या हुए, निपट गए। बहुत लोगों का जॉब चला गया, बहुत लोगों की लाइफ खत्म हुई करने के लिए सर। बहुत लोग ऐसे भी थे जिनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था दुनिया के अंदर, अच्छा खासा लाइफ सेटल था करने के लिए, लेकिन एक वायरस आता है, अपना हालात क्या होता है, खराब होता है करने के लिए। लोगों ने बॉम्बे छोड़ दिया, लोगों का बिजनेस काम धंधा बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई, इतने साल से बॉम्बे में कमा रहे थे, क्यों बंद हो गया? क्योंकि उनके पास में प्लान बी नहीं था, उनके पास में स्टेपनी नहीं था, उनके पास में बैकअप नहीं था। सर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं क्या कि अगर हमें आज कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों को, हमारे माँ बाप को संभालने के लिए हमने कुछ काम कर रखा है क्या कि हमारे नहीं रहने पर भी उनको इनकम आती रहेगी? हेलो, आज एक ऑटो रिक्शा के अंदर भी 4 टायर होते हैं सर, 3 चलते हैं और एक क्या होती है, स्टेपनी होती है। स्टेपनी क्यों होती है, वो स्टेपनी क्यों होती है सर, क्योंकि बुरे वक्त में कभी उनको टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी लगा के काम रुकना नहीं चाहिए सर। सर एक 2.5 लाख का ऑटो आता है, उसमें भी बैकअप है, उसमें भी स्टेपनी है। आप पूछो अपने आप से सर कि आपके लाइफ में क्या स्टेपनी, आपके लाइफ में बैकअप क्या है। हमको समझ में आया 6-7 साल पहले कि ये जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री, ये जो काम है, ये मेरा लाइफ का बैकअप बन सकता है। उस टाइम पे इस काम को मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया सर, आज लाइफ टाइम कर रहे हैं और आज बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे हुए करने के लिए। मैं उतारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आपको जो लेके आया हुआ है वो आपका वेल विशर है, वो ये चाहता है जैसे वो आगे बढ़ रहा है आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं गारंटी बोलता हूँ सर, जो आप काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं कि आप प्लस में कि माइनस में, लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखो सर, आप खुद चेक करो कि इतने साल काम करने के बाद में आज आप कहाँ पे खड़े हो लाइफ के अंदर। किसी को 5 साल हुआ रहेगा, किसी को 10 साल हुआ रहेगा, किसी को 20 साल भी हुआ रहेगा काम करते करते बॉम्बे के अंदर, जो उसको फालतू बैठा हुआ नहीं है, कुछ लोग उस काम तो कर रहे हैं ना, लेकिन इतना साल काम करने के बाद आज हम लाइफ में कहाँ पर खड़े हैं, प्लस में है कि माइनस में है, वो चेक करो आप सर। इस बेस को क्यों करना चाहिए मैं आपको बोलता हूँ सर, अगर 10 साल से 5 साल से जो हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा बैंक बैलेंस या हमारा अचीवमेंट वहाँ का वहीं पर है, तो ये सवाल है आपका, मेरा सवाल है आपसे, ये अगला 10 साल आपने वही काम कंटिन्यू किया, अगला 5 साल आपने वही काम कंटिन्यू किया, तो आपको क्या मिलेगा सर? जो मिला आज तक आगे भी वही मिलने वाला है सर, बदलाव कैसे आएगा सर? आज आपको मौका मिला हुआ है सर, आज आपको मौका मिला हुआ है, बिजनेस को स्टार्ट करो। और सिर्फ स्टार्ट मत करो सर, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं सर ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट मत करो, दिल से काम करो, दिल से लेके 5 साल टाइम पास मत करो सर। ये टाइम पास का बिजनेस नहीं है, ये करियर बनाने का बिजनेस है, ये इंडस्ट्री बनाने का बिजनेस है, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है सर। मेरी औकात बिल्कुल भी नहीं है, मेरी अगर औकात होती तो मैं इसके पहले भी घर गाड़ी ले चुका होता, अचीवमेंट कर चुका होता। ये औकात किसकी है?
ये औकात इस बालाघाट कंपनी की करने के लिए। और बहुत बड़ा रैंक नहीं है सर, छोटा सा रैंक है एनडीसी करने के लिए, लेकिन इस रैंक में आते आते आपके जो बेसिक सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं, ये तो गारंटी करने के लिए है। गारंटी सर, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, ध्यान ध्यान रखिएगा सर। एक तरीका वो होता है जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते रहो। आज हम क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हो रहा है होने दे रहे हैं। महंगाई बढ़ जा रही है तो हम मोर्चा निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, बॉस को गाली देते हैं, कहीं घर पर झगड़ा करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? बर्दाश्त ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे सर, बर्दाश्त ही कर रहे हैं। बट एक तरीका वो होता है कि जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने का, जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने का। आज जितने भी लोग यहाँ पे आपने देखा, जो लोग फूड में आए हुए थे एसटीसी, इन लोगों ने जिम्मेदारी उठाया अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। आज वो जो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, वो जो जिंदगी जी रहे हैं, जॉब में हो सकता नहीं है सर। आपसे यही बोलना चाहूंगा सर, बिजनेस में आप चेक करने के लिए मत आओ, ऑलरेडी यहाँ पे लाखों लोग सपने पूरे कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको ये सोचना है कि अपना काम करने के बाद पार्ट टाइम में अगर महीने का 5,000 रुपये आपको आता है तो उससे कुछ तो भला आपका हो सकता है, बच्चे की स्कूल फीस अच्छी से बढ़ सकते हैं, घर का रेंट बढ़ सकते हैं, एंड की मतलब बहुत टाइम हो सकती करने के लिए। और अगर 1,000-2,000 भी आएंगे तो लाखों भी आपको आएंगे करने के लिए सर। चलेगा, स्टार्ट कीजिए बिजनेस को। बस आपको लास्ट में ये बोलूंगा सर, इस बिजनेस के अंदर आज जैसे मनोज सर ने बताया करने के लिए, आपके अंदर भी वो यूनिक क्वालिटी है आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर भी सपने पूरे करने के लिए वो यूनिक क्वालिटी है, आपके अंदर भी वो जज्बा जुनून है, सिर्फ उसको निकालने का देरी है सर। अरे डॉक्टर कर सकता है, एक इंजीनियर कर सकता है, यहाँ पे इतने लोग कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं क्या सर? आप भी कर सकते हैं। एक फैसला, जिंदगी का एक सही फैसला आपको पूरा जिंदगी बदल देगा करने के लिए सर, क्योंकि फैसले की वजह से ही आप जो जिंदगी आज जी रहे हो ना, वो फैसला आपने लिया हुआ था कुछ साल पहले। आने वाले 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आप कौन जिंदगी जीने वाले हो वो आज डिपेंड करेगा सर। हमने फैसला लिया 7 साल पहले बदलने का, हमने फैसला लिया 7 साल पहले नहीं, अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए, इनकम चाहिए, आज बारी आपकी है सर। मैं यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि जो सद्बुद्धि भगवान ने हमको दिया, जो सद्बुद्धि ऊपर वाले ने हमको दिया इस बिजनेस को समझने का और काम करने का, वो सेम सद्बुद्धि भगवान आपको भी दे। और जो अचीवमेंट हमारा हुआ है उससे 4 गुना ज्यादा अचीवमेंट इसका होना चाहिए सर, आपका होना चाहिए। और जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं, मैं उनसे फिर से बोलना चाहूंगा सर, देखिए हार मत मांगिए, लगे रहिए सर, चैलेंज तो आएगा, लेकिन ये आपको सोचना है कि 4 साल या 40 साल। हमने सोचा था कि 4 साल काम करके लो लाइफ में क्या होना है सर? फ्री होना है। वरना एक ही फर्क होता है जॉब के अंदर और अपने काम के अंदर। आपको जॉब ही पैसा कमाना है तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, पंच करना पड़ेगा, लंच करेंगे फिर घर पे आएंगे, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा 60 साल तक। लेकिन उसी साथ में अपने लाइफ को स्टार्ट किया और देर से काम करते रहे, मस्ती नहीं किया, देर से काम करते रहे, 4 साल के बाद में आप एक बार गाड़ी बनने के मालिक हो सकते हैं करने के। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आप लाइफ में आगे बढ़े, आप लाइफ में तरक्की करें और आप लाइफ में एनडीसी बने। थैंक यू सो मच, जय हिंद।